कितनी बार मना किया ये चंदा मामा मत किया कर, कोई सच में चंदा ना लेने आ जाए तेरा वो चंदा मामा। अरे क्यों नाराज होती हो, बच्चा ही तो है ये। ये तो बच्चा है, हम बच्चे नहीं है। दो बार पहले भी चंदा ले जा चुका और इस बार तो हद कर दी, चंदा चंदा करके चंदे का धंधा लगा रखा। अब की बार आने तो उसी की झाड़ू से मारूंगी इसके उस चंदा मामा को। ठीक है बाबा मार लेना, अब अंदर तो जाओ। दूर कहीं जब बच्चा रात को चंदा मामा कहता है तो माँ कहती है सो जा बेटा वरना कहीं चंदा मामा चंदा मांगने ना आ जाए। क्या कहे जो भाई, कम से कम हाफ सेंचुरी तो लगाते, 49 दिन में ही हिट हो गए। कितना मजा आ रहा था, जहां भी जाते थे मीडिया वाले साथ साथ चलते थे। अरे अनाथ तू तो चुप ही रह, तुझे क्या जरूरत थी अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर सहसा बनाने की? हमको आती नहीं जी और इसकी जाती नहीं जी। हीरो पंथी चुप, चूड़िया पंथी। मीडिया से याद आया, मीडिया वालों को फोन कर दूं क्या? कर दो। जी मीडिया से बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बदनाम चैनल से। जी हम भी बदनाम पार्टी से बोल रहे हैं। ओह तब तो आपकी हमारी बहुत जमेगी, बोलिए। जी हाँ हमारे जो सर थे वो धरने पे बैठने के पूरे मूड में है, अगर आप आ सके तो हमारी पार्टी को और बदनाम करने के लिए तो आप आएंगे क्या? हाँ हाँ हमारा तो काम ही है वो बदनाम को और बदनाम करना, हम जरूर आएंगे। जी आप आइए और हमारी पार्टी को जितना ज्यादा हो सके बदनाम कीजिए। हाँ जरूर आएंगे। मगर सर ये तो कानून मंत्री थे ना। तू तो चुप भी रह माँ की बिल्ला, कानून मंत्री थे तो क्या कानून अपने हाथ में लेके घूमेगा? अरे तुझे क्या जरूरत थी, अरे एक बच्चे की बॉली तो लगी थी तेरी गाड़ी पे। ये फुटबॉल जैसा थोपड़े जैसा मुंह लेके लोगों को धमकाती फिरती है, सच में जी लंगूरों के हाथ में। अरे अंगूर नहीं अंगूर नहीं, आम आदमी है अंगूर बहुत महंगा है, लंगूरों के हाथ में मूंगफली देखे भाई। मगर इतनी जल्दी सरकार गिराना क्या सही था? अभी अभी तो सरकारी गाड़ी ली थी हमने। देखो जी मुझे सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम करके रिकॉर्ड बनाना था जी, वो मैंने बना लिया। अरे रिकॉर्ड से याद आया गंजे, गंजे गिनीज बुक जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उनको फोन किया था? हाँ भेजा था, मगर उन्होंने कहा ये कोई रिकॉर्ड है, ये तो जनता के साथ फ्रॉड है। क्या ऐसा कहा उन्होंने? सब के सब मिले हुए हैं जी। ऐसा करते हैं कल से गिनीज वालों के दफ्तर के सामने ही हम लोग धरना देते हैं जी। धरने से याद आया, आप तो चीफ मिनिस्टर हो ना, तो आपको क्या जरूरत थी वहाँ धंधे पे बैठने की? अरे चिचोदिया वो क्या है ना, मैं हूँ आदत से मजबूर, हूँ आदत से मजबूर। अरे अरे चिचोदिया जी मेरी दवाई कहाँ है? कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है। अरे पागल समझते हैं सब आपको, क्या जरूरत थी कुर्सी छोड़ के रणछोड़दास बनने की? चुप, एक गाना बना लिया उसी की रॉयल्टी खाया जा रहा है, अब मेरे हाथ से खाएगा। कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है समझे, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर नहीं चुप चुप कहते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए वरना कविता सुनाने लगूंगा। तुम्हारी इन्हीं गालियों और कविताओं की वजह से हम लोग आज गाली खा रहे हैं समझे, मूर्ख विश्वास। अबे सीएम में क्या रखा है, जो बात
पीएम में रखा है। हाँ समझाओ इसे, बताओ। और वैसे भी बिजली पानी हम 3 महीने तक ही फ्री दे सकते थे, अब क्या तुम्हारे तेरे घर की छत पे हम बिजली पानी का प्लांट लगाते? हाँ जितना दे सकते थे उतना दिया। वो आगे का क्या प्लान है, कहाँ करना धरना? देखो जी आगे का प्लान है मोदी। मोदी? हाँ मोदी फॉर पीएम, वो तो बन गए। अरे अनाथ मोदी नहीं, मोदी फॉर अडानी, मोदी फॉर अंबानी। और इस बार हम लोग दिल्ली में पूरी 80 की 80 सीट जीतेंगे। 80 तो दिल्ली में है भी नहीं, हद करते हो केजू भाई, फ्री 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 करते करते आपका दिमाग भी फ्री हो गया लगता है। ओ सॉरी सॉरी, वो क्या है ना मैंने हरियाणा की भी जोड़ ली। खैर ये बताओ चंदे का क्या है? मोदी जी ने चाय पे चर्चा की थी, हम चाय पे खर्चा करेंगे, इससे आम लोग आपके साथ 25,000 में चाय पिलाएंगे और बोलेंगे वाह उस्ताद वाह। अरे वाह उस्ताद नहीं, वाह ताज कहिए। तनाव चुप रहो, कोई ताज नहीं, कोई सस्ती सी टूडे टुमारो चाय देख लेना चांदनी चौक से, वाह ताज। तो ठीक है हम चारों तरफ अपने चंदा एजेंट भिजवा देते हैं और चंदा इकट्ठा करते रहेंगे। सर सर बाहर कोई सेठ खड़ा है, बोलता है आपको चंदा देने आया है। क्या बात कर रहा है, उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेजो। कुमार मेरा डब्बा कहाँ है? जी हाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं नेता कम अभिनेता धरना कुमार और चंदा मामा। तो चंदा मामा जी नमस्कार आगे से और पीछे से। अच्छा आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये तो भ्रष्टाचार है जी, आगे से और पीछे से क्या, नमस्कार सीधे सीधे क्यों नहीं करते? और पहले जी आप चंदा दे दो जी, तभी मैं इंटरव्यू दूंगा जी। बताओ हम दूसरों से चंदा लेते हैं या हमसे चंदा ले रहे हैं? ये चंदा और देना पड़ेगा जी आपको, नहीं तो देखो जी चंदा नहीं दोगे तो आपके ऑफिस के आगे हम लोग धरना दे देंगे जी। केजू साहब ये इन्होंने काली टोपी पहन रखी है तो ये तो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, इन्हें अपनी टोपी पहनना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर ये अपनी टोपी उतारी आप, ये हमारी मैं हूँ बदनाम पार्टी हम लोग। अरे नहीं नहीं हमें मत पहनाइए। अरे पहनिए पहनिए, हमारा तो काम ही है लोगों को टोपी पहनाना। तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछिए पूछिए, आजकल तो हमसे सब सवाल ही कर रहे हैं। और मैं इस कप सिरप की कसम खा के कहता हूँ जो बोलूँगा सच बोलूँगा। अच्छा तो ये बताइए ये जो आपका लुक है मफलर का, क्या ये ठंड रोकता है? बोलिए बोलिए जी। आजकल आप देखते ही हैं मेरी रैलियों में कोई भी आता है थप्पड़ मार के चल देता है, तो जी उसकी सेफ्टी के लिए है जी। तो ये मफलर आपकी सेफ्टी के लिए है? जी बिल्कुल, आप मार के देखिए अंदर स्टील लगे हुए हैं जी। अच्छा जी कैसा फील हुआ आपको?
अरे आप तो दिखने में भोले हैं, अंदर से एकदम शाणे हैं। आप एक बात बताइए, आपने कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, तो जरा हमारी जनता को बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे। जी बिल्कुल मिटाएंगे, भ्रष्टाचार हम क्यों नहीं मिटाएंगे, हमने वादा किया है भ्रष्टाचार मिटाने का, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मिट गया जी भ्रष्टाचार। वाह, इसी तरह हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे जी। अच्छा तो हमारा अगला सवाल है कि आपने कहा है कि दिल्ली में बिजली के बिल आधे कर देंगे, तो वो कैसे? जी बिल्कुल, अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि बिजली 24 घंटे आती है, जब हमारी सरकार आएगी तो बिजली 12 घंटे आएगी, तो बिजली के दाम अपने आप आधे हो जाएंगे। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल है कि आपने कहा है दिल्ली में वाईफाई फ्री कर देंगे। बहन सनी लियोनी, ये क्या कह रहे हो? जी हो क्या है ना कि यूट्यूब पे जो है बहन सनी लियोनी से ज्यादा मैं फेमस हूँ, इसीलिए मैं वाईफाई फ्री करना चाहता हूँ, इसमें भी हमारा ही फायदा है जी। जी हमारे राज में तो जनता पानी भी नहीं मांगेगी जी। हमने सुना है कि बड़े बड़े डायरेक्टर आपको अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। जी मैं तीनों खानों में सबसे ज्यादा फेमस हूँ जी, और ये देखिए मेरी फैन फॉलोइंग, ये देखिए जी इतनी फैन है जी हमारी। और जी इससे भी ज्यादा फेमस तो जी मेरी खांसी है जी, आप देख सकते हैं दवाइयों का जमावड़ा। अच्छा एक बात और बताइए, आपके पास पहले ये सीख वाली झाड़ू हुआ करती थी, अब ये फूल वाली झाड़ू कैसे हो गई? जी हाँ सब चंदे का कमाल है जी, चंदे खा खा के फूल गई है जी। तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, 100 मनाथ की सर की कसम जी, अगर मैं सीएम नहीं बना तो अनाथ जी के बच्चे सच में अनाथ हो जाएंगे जी, और मैंने तो सीएम की कुर्सी की लॉटरी भी दे दिया जी। एक्सक्लूसिव, हमारे चैनल पर पहली बार लाइव केजू जी बैठेंगे सीएम की कुर्सी पर। कुर्सी ले आइए सीएम। आ गई सीएम की कुर्सी। पहले वाली तो 49 दिन चली थी, ये तो 49 सेकंड मिनट दिखी जी। अरे अरे हमारे चैनल पर लाइव चंदा मामा गिरे, आपने देखी होगी तारे जमीन पर, लेकिन हमारे चैनल पर चंदा मामा जमीन पर। अरे बंद करो जी। सब भ्रष्टाचार है जी, बंद करो ये सब। तो हमारे चैनल पर सबसे पहली बार हम दिखाते हैं आपको चंदा मामा का बहुमूल्य खजाना। ये देखिए चंदा मामा अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं, कैमरा मैन दिखाइए जरा, चंदा मामा अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं। सच पूछिए तो मोदी जी का स्वच्छता अभियान लगन से यही कर रहे हैं। आइए बात करते हैं चंदा मामा से। जी नहीं नहीं, आपने जो कहा कि मोदी जी का, इससे मुझे मैं कोई रिलेटेड नहीं है जी। ये जी अपनी साफ सफाई भी कुछ महत्व रखती है जी, और मुझे साफ सफाई पसंद है जी। अच्छा तो आप जरा बताएंगे अपने इस खजाने के बारे में। जी हमारे पास काला धन नहीं है जी, काला धन जिनके पास है उनका आज तक कुछ नहीं हुआ जी। हमारे पास देखिए काली खांसी है जी, ये काली खांसी है जी, और ये देखिए जी काली सीसी मिलेगी जी हमारे पास तो आपको। जी हाँ तो देखिए यहाँ पर तरह तरह की काली काली सीसियाँ रखी है जी। बिल्कुल ये सब जी हमारे काली खांसी की दवाई है जी, जो अब तक यूज हो चुकी है, मैं फेंकता नहीं हूँ जी, बिल्कुल नहीं फेंकता जी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं जी। ब्रेकिंग न्यूज, जब से चंदा मामा ने ये सीसियां जमा करी है तब से आज तक एक भी सीसी नहीं फेंकी। जी नहीं बिल्कुल नहीं, और ये जी हमारे पास आम आदमी है, आम चीजें हैं, और ये भी देखिए सब आम है, काला धन नहीं है जी हमारे पास, और हम काला धन के बिल्कुल खिलाफ है जी, बिल्कुल खिलाफ है जी। तो देखते रहिए और खासते रहिए। मैं बदनाम सिंह, कैमरामैन बदनाम के साथ बदनाम चैनल, नई दिल्ली।